23 किलोमीटर की ड्राइव हो चुकी है ये, तो आप मजा ले सकते होगी जर्नी का। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नजारा है ये, मैं बता नहीं सकता आप। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल वेदर है। ये फर्स्ट की स्टेट मैंने स्पॉट की अभी लगभग 63 किलोमीटर। हेलो फ्रेंड्स, इस बार मैं आपको इंडिया के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन रोड ट्रिप पे ले जा रहा हूँ। इसके लिए हम पहुँच गए हैं कोयम्बतूर। मुंबई से 2 घंटे की फ्लाइट लेके हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हम यहाँ से एक स्पेशल रोड ट्रिप करने वाले हैं टूवर्ड्स ऊटी। ये अप्रॉक्स 100 किलोमीटर की ड्राइव होगी जिसे मैं एक कार से ड्राइव करते हुए पूरा करूंगा और आपको इस जर्नी की सारी डिटेल्स बताऊंगा। बस हम लगेज का इंतज़ार है, जैसे ही लगेज आता है लगेज लेके हम बाहर जाएंगे और फिर वहां से हमारी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। इस जर्नी को पूरी करने के लिए मैंने एक सेल्फ ड्राइव कार रेंट की है, वो हमें अभी एयरपोर्ट पर पिकअप करने आने ही वाली है। ये देखिए ये हमारी कार आ चुकी है, हमें यहाँ से पिकअप करेंगे अभी और फिर हम आगे हमारी ड्राइव स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ से इस कैब कंपनी के ऑफिस में जाएंगे, पहले वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करेंगे, लाइसेंस और आधार कार्ड वगैरह उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो देंगे और फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे। ऊटी यहाँ से एयरपोर्ट से 97 किलोमीटर पे है, यहाँ पे दिख रहा है अभी। ये हम पहुंच चुके हैं कैब कंपनी के ऑफिस। जब भी आप सेल्फ ड्राइव कार लोगे तो याद रखना जर्नी शुरू होने के पहले एक वीडियो वॉक थ्रू वीडियो ज़रूर बना लेना, जो जिसमें आपको गाड़ी के स्क्रैचेस, माइनर स्क्रैचेस जो भी हो वो पहले से ही पता रहने चाहिए, तो वापस करते वक्त आपको कोई तकलीफ ना हो। ये देखिए माइनर स्क्रैच है यहाँ पे, तो मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग आपको बाद में काम आती है, तो छोटे मोटे डेंट्स वगैरह तो फिर तकलीफ नहीं होती कि हर वक्त आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे ऐसा पता नहीं, और अपने पास बताने के लिए कुछ प्रूफ हो जाता है ये माइनर स्क्रैचेस, क्योंकि ये कार के साथ अब ड्राइवर नहीं रहेगा, ये खुद मैं चलाने वाला हूँ। अभी भाई साहब आए, गाड़ी की रीडिंग लेंगे, मेरा फ़ोटो लेंगे गाड़ी के साथ, मैं भी किलोमीटर रीडिंग का स्क्रीनशॉट ले लूँगा और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये अब हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अभी ट्रिप मीटर को यहाँ पे 0 किलोमीटर कर लिया है। हम एयरपोर्ट के पास वाले फर्स्ट फ्यूल स्टेशन पे है अभी, यहाँ पे BPCL का पंप है और यहाँ से मैंने ट्रिप मीटर 0 कर दिया है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। ये यहाँ पर मेरा कैमरा माउंट है, यहाँ पर कैमरा माउंट करूँगा और आपको जर्नी के बारे में आगे डिटेल्स बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो ये जर्नी की स्टार्ट हो चुकी है, हम अभी ऊटी की तरफ निकल चुके हैं, मैंने ट्रिप मीटर 0 कर दिया है। एक अच्छी बात है कि हमको एयरपोर्ट के पास सीधा ऊटी का हाईवे लग जाता है, तो सिटी क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती कोयम्बतूर की। सात किलोमीटर की जर्नी अभी अपने पूरी की है, ऊटी यहाँ से मुझे 87 किलोमीटर बता रहा है और ये राइट साइड में मेरे इंडियन ऑयल का पंप है, यहाँ पे 95 ऑक्टेन फ्यूल अवेलेबल है पेट्रोल, सो किसी को ज़रूरत होगी 95 ऑक्टेन की तो यहाँ पे मिलता है। एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर है राइट साइड पे, याद रखिए टूवर्ड्स ऊटी। अब 15 किलोमीटर की जर्नी हमने कंप्लीट की है और यहाँ से ही मुझे पूरा लश ग्रीन दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बनाना प्लांटेशन काफ़ी दिख रहा है, कोकोनट ट्रीज है, पूरा लश ग्रीन है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अभी तक तो ड्राइव फैंटास्टिक है, रोड छोटा है पर अच्छा है जैसे आप देख सकते हो। अभी 23 किलोमीटर की ड्राइव हो चुकी है, अभी तक तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, बीच में कुछ स्पीड ब्रेकर्स है क्योंकि छोटे छोटे गांव है,
पर स्पीड अच्छी चल रही है, 60-70 किलोमीटर पर आवर से हमारी ड्राइव हो रही है यहाँ पे। ज़्यादा भीड़ नहीं है, ट्रैफिक भी ठीक ठाक है। मैंने गूगल मैप्स का लोकेशन भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि हमें रास्ता बता रहा है, वही रास्ते से हम जा रहे हैं अभी, गूगल के बताए हुए रोड से। अभी 26 किलोमीटर के बाद हमें गूगल राइट टर्न लेने बोल रहा है, और यहाँ से हमको नेशनल हाईवे लग चुका है। नेशनल हाईवे 151 आ गया, 26 किलोमीटर आफ्टर कोयम्बतूर एयरपोर्ट। सो कोयम्बतूर एयरपोर्ट से हम 31 किलोमीटर आ चुके हैं, दोपहर के 1:15 हुआ है, और अभी हमें 4 लेन मिल चुका है। यहाँ तो पूरा 4 लेन दिख रहा है, और आगे मुझे सामने माउंटेंस दिख रहे हैं, शायद हमें वही माउंटेंस क्लाइंब करने हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं, काफ़ी दूर है अभी तो यहाँ से, कुछ कारण से शायद रोड बंद है, तो हमें पुलिस ने बोला है कि अंदर के रोड से जाओ। वहाँ पे पुलिस थी तो उन्होंने बोला कि ये इंटरनल रोड है कोई, यहाँ से जा रहे हैं फिर हम। स्टेशन के पास है कुछ रेलवे लाइन दिख रही है मुझे यहाँ पे, छोटा सा रोड है, और वो माउंटेन्स दिख रहे हैं मुझे, वो खूबसूरती मुझे यहीं से दिख रही है पूरी, वाव। अब हम फिर से नेशनल हाईवे को कनेक्ट हो चुके हैं, 3-4 किलोमीटर का ड्राइव था अंदर से, वापस बाहर आज नेशनल हाईवे पे आ गए हैं। और ये लेफ्ट साइड में मेरे एक फूड कोर्ट दिख रहा है, A2B, ये काफ़ी अच्छा फूड कोर्ट है, लगभग 39 किलोमीटर पे है एयरपोर्ट से, तो आपको कुछ खाना है तो यहीं पे खा लीजिए, अच्छा 2-3 ऑप्शंस है वहाँ पे। 40 किलोमीटर की जर्नी हमने अभी कंप्लीट की है, और आप जैसे कि देख सकते हो मेरे दोनों साइड में पूरी ग्रीनरी स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के ट्रीज है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत कम देखने मिलता है ऐसा कोई रोड पे। मैं आज हुंडई की i20 चला रहा हूँ यहाँ पे, डीजल मैनुअल है, 1.5 लीटर, अच्छी पंची इंजन है, अच्छी चल रही है गाड़ी। और ये रोड खूबसूरती ऐसी है ना कि ये रोड पे आपने ड्राइव करना ही चाहिए, आप मिस मत कीजिए, आप सेल्फ ड्राइव कार लीजिए और खुद ड्राइव करिए, तो आप मज़ा ले सकते हो इस जर्नी का। 42 किलोमीटर्स आ चुके हैं, और यहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट हो चुका है, एक फॉरेस्ट का चेक पोस्ट गया पीछे, तो हम अभी ड्राइव कर रही है, पूरा फॉरेस्ट का एरिया है। हम जो माउंटेन क्लाइंब करने वाले हैं वो है नीलगिरी माउंटेन, ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ तमिलनाडु में आता है। इनकी ये खूबी है कि इनके 24 पीक जो शिखर होते हैं ये 2000 मीटर की ऊपर हाइट है इनकी, और इनमें सबसे ऊंचा आता है कुछ डेढ़ा बेटा जो लोग बोलते हैं, उसकी ऊंचाई तो 2600 मीटर के ऊपर है। How much? 70. 70? You have scan? तो ये फॉरेस्ट का एरिया है, यहाँ पे कोई UPI स्कैन और कार्ड नहीं चलता है, यहाँ पे कैश कैरी करनी पड़ती है। ये देखिए, We'll be right back.
यहाँ पे सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर एलिफेंट क्रॉसिंग जोन लिखा है। आपका दिन अच्छा रहा तो शायद आपको हाथी के दर्शन भी हो जाएंगे। और अभी हम कोयम्बतूर एयरपोर्ट से लगभग 50 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी तक की ड्राइव एकदम फैंटास्टिक है। बहुत ही प्यारे रास्ते हैं और जो वेदर दिख रहा है मुझे, जो ऊपर घाट दिख रहा है, ये अपने आँखों से देखने के बाद ही पता चलेगा आपको कि कितनी सुंदरताएँ यहाँ पे। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे। ये बीच बीच में आपको वाटरफॉल्स भी दिखेंगे। राइट साइड में मेरे एक वाटरफॉल है, काफ़ी प्यारा है। और जैसे जैसे हम ऊपर क्लाइंब करते जा रहे हैं घाट पे, तो टेम्परेचर कम हो रहा है। अभी 23 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है मुझे डैशबोर्ड पे। छोटा सा पूल है यहाँ पे, ब्रिज। इस सब ऐसा हेयर पिन बैंड जाना स्टार्ट हो चुका है। काफी स्टीप रोड है ये, देखिए। ये फिर से और एक हेयर पिन बैंड आ रहा है अभी। मरापालम तक पहुंच चुके हैं हम अभी और यहाँ से बारिश स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे होंगे सामने सारा फॉग आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये ड्राइव मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ नहीं। टेम्परेचर अभी 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं अभी। और ये 11th हेयरपिन बैंड आ चुका है। ये 13th हेयरपिन बैंड आ चुका है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। और यहाँ पे जैसे ऊपर आता हूँ ना मैं, थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ पे घाट की साइज़ बड़ी हो चुकी है, रोड्स थोड़े बड़े दिख रहेंगे आपको। यहाँ पे स्पेस होगा उनके पास तो थोड़ा बड़ा रोड्स बना रहे हैं यहाँ पे। अभी 61 किलोमीटर जर्नी पूरी कर ली हमने अभी यहाँ तक। हम अभी लॉस फॉल्स के पास पहुंच गए हैं। वाटरफॉल है छोटा सा यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे। वाओ, एक फोटो स्टॉप के लिए रुक रहा हूँ मैं अभी कि बहुत ही प्यारा नज़ारा है। आप रुक सकते हैं यहाँ पे, यहाँ
यहाँ पे थोड़ी आगे चल के जगह है पार्क पार्किंग की, और ये कुछ टी स्टेट का बोर्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये देखिए मुझे टी स्टेट दिखना स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, जो ऊटी की स्पेशलिटी है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल वेदर है। ये फर्स्ट टी स्टेट मैंने स्पॉट की अभी लगभग 63 किलोमीटर हाइट, 63 किलोमीटर हाइट मुझे ये टी स्टेट दिखा है पहला। और अभी हम यहाँ रुके हैं, छोटा एक फ़ोटो स्टॉप के लिए रुके हैं हम। वहाँ यहाँ गाड़ी पार्क करके वाटरफॉल्स के पास जा रहे हैं, देखते हैं नज़दीक से वाटरफॉल कैसा दिखता है। ये जो कार है मैंने ली है हुंडई i20 इस जर्नी के लिए। ये 14th हेयरपिन बैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है बाहर। तो कोयम्बतूर से लगभग 64 किलोमीटर के बाद आपको ये कैफे एंड रेस्टोरेंट स्टॉल मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे रुके हैं हम एक वॉशरूम स्टॉप के लिए, बीच में कहीं वॉशरूम ही नहीं है तो ये याद रखिए। यहाँ पे है ये 64 किलोमीटर है, और इसके सामने ये व्यू देखिए ज़रा, बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर है। यहाँ बैठ के चाय पीने का मज़ा आएगा। ये देखिए सैसठ किलोमीटर हमने अभी पार कर लिए है, और अभी हम पहुंचे कन्नूर। ये कन्नूर भी एक अच्छा खासा बड़ा टाउन है, यहाँ पे ऊटी के पहले आता है, और यहाँ का भी टूरिज्म फेमस है। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है आगे। आपको अगर कुछ खाना होगा तो आप यहाँ खा सकते हो। कोयम्बतूर एयरपोर्ट के बाद या तो कोयम्बतूर से निकलने के बाद बीच में एक जगह मैंने बताई थी ए टू बी कुछ है 40 किलोमीटर पे, तो वो है। फिर उसके बाद आपको फॉरेस्ट के कारण कोई अच्छे रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे बीच में खाने को, तो आप सीधा कन्नूर आके ही जो आपको खाना है तो कन्नूर ही देखिए। पिछली जगह भी मैं रुका था जहाँ पे वॉशरूम ब्रेक के लिए, वो रेस्टोरेंट भी कुछ नहीं था वहाँ खाने के लिए। बस थोड़ा आगे चल के ही कन्नूर आ गया, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही मुझे। यहाँ पे एक ब्रेक ले सकते हैं कहीं तो भी अच्छी जगह देख के आप खा सकते हो। ये आगे राइट साइड में कन्नूर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से ऊटी से यहाँ पे रोज डेली कुछ 3 या 4 ट्रेन चलती है, और कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नीज में से एक कहा जाता है इसको। अगर वक्त मिलता है तो वो भी करने की कोशिश करेंगे हम इस टूर में। 71 किलोमीटर की जर्नी हमारी पूरी हो चुकी है अभी। ये अभी अरुवन्नकुडू करके एक विलेज है, हिली विलेज है, यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम, और काफ़ी सुंदर विलेज है।
75 किलोमीटर अभी हमने पूरे कर चुके हैं यहाँ तक। और ये नेचर की खूबसूरती का मजा लीजिए, ये व्यू देखिए। यहाँ से अभी पाइनवुड फॉरेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। आप वो लंबे लंबे ट्रीज दिख रहे हैं सामने, वो पेड़, वो पाइनवुड ट्रीज है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, मैं बता नहीं सकता आपको, आप देख रहे होंगे, पर जो आंखों से दिख रहा है यहाँ से तो बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अंदर जो क्लाउड्स दिख रहे हैं तो एक ड्रीम कम ट्रू जैसा लग रहा है कि ये ये डेस्टिनेशन और ये ड्राइव मैं बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ। इतनी मैंने घाट सेक्शन काफ़ी चलाया है, पर ये जो घाट है इसका मज़ा ही अलग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो तो प्लीज़ आप यहाँ पे कार लेके आइए, खुद चलाइए, तो आपको उसका मज़ा दुगना होगा ये ट्रिप का। ये देखिए, और आप जैसे भी ड्राइव करते आओगे ऊपर ऊपर, आपको अलग अलग प्रकार के ट्रीज, प्लांट्स सब नए नए दिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंट दिखेंगे, जनरली हम देखते वैसे नहीं है। ये देखो अभी सामने मेरे आगे एक माउंटेन है, एक पहाड़ है, उसके ऊपर जो पूरे फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, पूरे पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, ऐसा जनरली देखने नहीं मिलता है। बहुत ही खूबसूरत है ये नज़ारा। एक वैल्यू व्यू है यहाँ से कोई, और अभी तक 80 किलोमीटर की जर्नी हमने पूरी कर ली है, और ये फॉग और डेंस होते जा रहा है यहाँ पे आगे। ये देखिए बहुत ही डेंस होते जा रहा है, ये बरसात का सीज़न नहीं है, ये नवंबर है, नवंबर में मुझे ये सब देखने मिल रहा है, तो मैं खुश नसीब हूँ। ये देखिए हम ऊटी के आसपास ही, अभी कुछ टाइम में हम ऊटी पहुंच जाएंगे। अभी ड्राइव थोड़ा स्लो है यहाँ पे, लास्ट एक 8-10 किलोमीटर से पेस नहीं है क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया है यहाँ पे ऊपर। ये ऊटी पहुंच गए हैं हम अभी, बस हम हमारे होटल तक जा रहे हैं। अभी पिछले 15 किलोमीटर से आप पकड़ लीजिए कि एक रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, इतना अच्छा पैच नहीं है, थोड़े से आपको बम्स गड्ढे मिलेंगे और ड्राइव भी स्लो हो जाता है। ये देखिए ये थोड़ा ट्रैफिक लगना शुरू हो चुका है, ये पूरा कमर्शियलाइज्ड ऊटी टाउन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये लेफ्ट जाओ तो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, राइट को लेक है, काफ़ी ठंडी है, 16 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। जब हम निकले थे फुटहिल्स में, मैंने बताया नीलगिरी के, जब घाट स्टार्ट किया था 26 डिग्री था, 26 डिग्री, अभी ये 16 डिग्री, 10 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है पूरे घाट में। और काफ़ी भीड़ है, ये दिवाली का पीक सीज़न है, दिवाली हॉलीडे चल रहे हैं अभी, तो काफ़ी भीड़ दिख रही है मुझे ऊटी में अभी, तो जस्ट एंटर ही किया हूँ मैंने। सारे लोग आपको स्वेटर्स में दिखेंगे, स्वेटर्स, मफलर्स, काफ़ी ठंड है यहाँ पे। अभी दोपहर को 3:30 बजे हालत है, पता नहीं रात को कैसा होगा, रात को तो बहुत ठंडी होगी यहाँ पे। अब चलो मैं जाता हूँ अपने होटल पहुँच के आपको वहाँ से बाकी का अपडेट देता हूँ। देखते हैं होटल कितना दूर है यहाँ से, अभी मुझे 15 मिनट बता रहा है। ये ऊटी के बीच में से जा रहा हूँ मैं, मेन टाउन में से, मेरा होटल वो साइड में है, अदर साइड। ये मेरे होटल की रूम के बालकनी से व्यू है। यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सो गया था मैं, और इसी के साथ आज का खूबसूरत डे वन कोयम्बतूर टू ऊटी जर्नी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेरा डे टू का एपिसोड देखना ना भूलिए, उसमें मैं ऊटी की सारी खूबसूरत डेस्टिनेशन आप कवर करने वाला हूँ। और मुझे कमेंट कीजिए आपको ये जर्नी कैसी लगी और आप किसके साथ करना चाहोगे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और ये मैं हूँ, अब मैंने थोड़ी देर पहले मस्त शॉवर लिया और
बहुत ठंडी है यहाँ पे, और अभी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना आ चुका है मेरा। जोमेटो से खाना मंगाया मैंने, रेस्टोरेंट इतना खास नहीं था, तो वो खाना भी आ चुका है। अब मैं खाना खा के सो जाता हूँ और आज का दिन ख़त्म करता हूँ। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, सी यू टुमारो।